बड़ी खबर है गाजा सीमा से। हलचल तेज हो गई है वहां पर और इसराइल के सैकड़ों टैंक्स का मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है और इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां वहां पर तेज हो गई हैं। गाजा सीमा पर हलचल तेज, वहीं आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। आशीष, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कितने टैंक्स हैं वहां पर और किस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। ठीक कुछ मिनटों पहले हमने जो लाइव में दिखाया था उसी जगह पर टैंक्स की मूवमेंट एक बार फिर से तेज़ हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर न केवल हमें टैंक्स मूवमेंट के लिए दिखाई दे रहे हैं बल्कि आर्मर्ड के साथ साथ आपको इन्फेंट्री यानी कि जो सोल्जर्स ऑन फुट होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो एक काफिला है एक बार फिर से ये सिलसिला चल रहा है। ये तैयारी देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कब से की गई थी। हम फिलहाल गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं और यहाँ तक आगे तक या इन्हें डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, लेकिन इसके आगे कूच को लेकर काफ़ी दूसरे फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर अभी तक नहीं मिल पाए हैं और इसी वजह से ये टैंक्स, ये देखिए एक बार फिर मूवमेंट शुरू हो चुका है। एक दो नहीं बल्कि आपको टैंक्स का काफिला दिखाई देगा एक के बाद एक। ठीक जो टैंक चल रहा है उसके पीछे भी एक और आपको टैंक दिखाई देगा और इस टैंक के पीछे एक बस है जिसमें जो सोल्जर्स हैं वो साथ में चल रहे हैं। यानी कि जब भी ये टैंक आगे बढ़ेंगे गाजा की तरफ, सैनिकों के साथ में ये टैंक्स आगे बढ़ेंगे और ये साफ इशारा दे रहा है कि किस तरह से गाजा पट्टी के ठीक नज़दीक लाकर यहाँ पर इन्हें काफ़ी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। ये देखिए टैंक्स मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको बसेस में भी जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पर सोल्जर्स देखिए पूरी की पूरी बस भरी हुई है सोल्जर्स की, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि कई इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो भर के सोल्जर्स साथ में मूव करते जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है और ये पिछले कई दिनों से यह देखने मिल रहा है कि टैंक्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो अभी तक इन्हें नहीं मिला है और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कई जो पॉलिटिकल लेवल पर और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बंदूकों को छुड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी वजहों से हमें काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि अब गाजा की तरफ मूव होगा, तब गाजा की तरफ मूव होगा, लेकिन डिसीजंस कहीं और लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स ये सब डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं और ये केवल और केवल तैयारी ही नहीं है बल्कि या तैनाती ही नहीं है बल्कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तत्परता हमें दिखाई दे रही है और ये एक तरफ सीधा सीधा संकेत दे रही हैं कि हमास पर जब भी अटैक होगा, जब भी गाजा की तरफ कूच किया जाएगा, गाजा में अंदर जाकर हमास पर जब भी अटैक होगा तब बहुत बड़ा प्रहार होगा, ये निर्णायक प्रहार होगा। जितने टैंक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इतने की ज़रूरत बिल्कुल, इसके 10% टैंक्स और जो इन्फेंट्री होती है उसकी वो हमास को और गाजा पट्टी को टेक ओवर करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सैनिक हैं, एक नहीं बल्कि दूसरी बस भी देखिए, इसमें भी आपको जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो दिखाई देंगे और इस बस के पीछे जो टेल होता है कॉन्वॉय का वो भी दिखाई दे रहा है कंपनी कमांडर। और आशीष, जिन सोल्जर्स की आप बात कर रहे हैं जो इन बसों में मूव कर रहे हैं वो वेव कर रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के कैमरे की तरफ हम ये भी देख रहे हैं और पीछे एक जीप है। आशीष, अपनी बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये सोल्जर्स खुद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ज़रूर इनमें काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी एक वेट कर रहे हैं, वो एक अंदर से उबाल सा है उन्हें कि कब ऑर्डर मिले और कब वो गाजा पट्टी में अंदर घुसें, लेकिन इतना आसान होता नहीं है इस तरह के मूवमेंट को आगे बढ़ाना और क्योंकि उसके आगे क्या कुछ होगा, कोलैटरल डैमेज भी काफ़ी हो सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर टेंट्स भी लग गए हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, जो सोल्जर्स हैं आपको वो टेंट्स में यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, इसके आगे जब होगा क्या तब सीधा गाजा पट्टी के अंदर जाया जाएगा और इसीलिए यहाँ एकदम सबसे फॉरवर्ड पोजीशन पर टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है ये सब के सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब इसके आगे जब भी जाएंगे, ये शुरू अगर यहाँ से होगा तो फिर वो
गाजा पट्टी पर ही जाकर रुकेगा और विशेष तौर पर तब जब उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ह्यूमन कॉरिडोर भी बना दिया गया है, एक स्पेसिफिक समय भी दे दिया गया है और सिविलियंस अगर वहाँ से खाली कर देंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो ये टैंक्स को आप दर्शक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल आशीष, इतना जिस वक्त आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट हम दे दें, गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, गाजा सीमा पर हलचल तेज हो गई है, खतरे के सायरन बज रहे हैं वहां पर गाजा बॉर्डर पर। एक और बड़ी अपडेट आशीष, ये सायरन क्यों बज रहे हैं वहां पर? रॉकेट्स अटैक जब भी होते हैं तो कुछ एरियाज को जिस दिशा में वो रॉकेट्स फायर किए जाते हैं उस दिशा में इस तरह से सायरन्स बजा दिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो स्पेसिफिक उस टाउन के लोग कम से कम वो शील्ड कर लें। बहुत सेकंड्स, कुछ सेकंड्स का ही समय मिलता है जब सायरन बजता है, उसके तुरंत ही कुछ सेकंड्स बाद में सभी को वहाँ पर डक करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो रॉकेट्स लगातार दागे जा रहे हैं वो साफ साफ है कि आयरन डोम काफ़ी हद तक उसे सिक्योर करके न्यूट्रलाइज ज़रूर कर दे रहा है और बहुत ही कम जो ग्राउंड इम्पैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बहुत कम हो पा रहे हैं। ये कामयाबी है इसराइल के डिफेंस सिस्टम की। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।